राघवेंद्र सिंह महामंत्री सक्षम अवतरा। सक्षम ने दिव्यांगों को पेंशन में बढ़ोतरी के लिए एक अभियान की शुरुआत की है, अब की बात हजार बार, क्योंकि भारत के अन्य राज्यों में तेलंगाना उत्तराखंड में दिव्यांग पेंशन अधिक है, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। दिव्यांगों की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है और विपरीत परिस्थितियों में वो लोग जीवन यापन करते हैं। सबको देखते हुए और इस बार जो अपना चुनाव का महाकुंभ हुआ उसमें दिव्यांगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सक्षम की प्रेरणा से उन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसका लखनऊ के जिले में 70.66% उन्होंने मतदान किया, जो एक अपने में आश्चर्यजनक है। और आज़ादी के बाद पहली बार इतना ज़्यादा मतदान हुआ। 2014 में मात्र 4,000 दिव्यांगों ने मताधिकार का प्रयोग किया था, जो कि इस बार 22,241 दिव्यांगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसलिए दिव्यांगों की उपस्थिति समाज के हर परिदृश्य में बढ़ रही है और वो मुख्यधारा में जुड़े और अपने को सक्षम भारत, समर्थ भारत, जो कि सक्षम का एक नारा है, अभियान है, उसको लेकर आगे बढ़े, तो जो जमीनी समस्याएं होती हैं सक्षम उनको आगे उठाता है। अभी सक्षम ने इस योजना को अब की बात हजार बार का नाम देते हुए उसका शुभारंभ किया है, जिससे दिव्यांगों के जीवन में आर्थिक विकास हो और वो अपने आप को सम्मानित महसूस करें और समाज की मुख्यधारा से जुड़े। दिव्यांगों के लिए उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए सक्षम मांग करता रहता है और उनके लिए क्रियान्वयन भी करता है। अभी हम लोगों ने उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए एक दिव्यांग सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, तो गोमती नगर खड़िया में बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होगा और वहाँ पे हम लोग उनको स्वरोजगार की तरफ जागृत करेंगे और उनको स्वरोजगार से जोड़ लेंगे। ऐसी सक्षम की योजना है। सक्षम समय समय पे कैंप भी आयोजन करता है, आई कैंप का आयोजन है और ट्राई साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का कैंप भी है। ये सब योजना और होती रहती हैं। इन सबको इस बार जो प्रमुख योजना जो रखी गई है आगे अभियान के रूप में होगा, इसके लिए हम लोग प्रथम स्तर पे माननीय सांसद सीतापुर राजेश वर्मा जी से और माननीय सांसद अशोक रावत जी मिश्रिक से हम लोग जाके अपना मांग पत्र और सब दे चुके हैं। इसके बाद आगे आज ये प्रेस वार्ता थी, जिससे कि समाज में सभी लोगों का सहयोग होगा तभी ये अभियान अपने स्वरूप में सबके सामने आएगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। संगठन की स्थापना कब हुई आपकी और कितने जिलों में अभी आप काम कर रहे हैं यूपी के? सक्षम की स्थापना सन 2008 में हुई थी। अभी यूपी के 13 जिले, अवध प्रांत में 13 जिले हैं, 13 जिलों में हमारी संयोजक हैं और 8-10 जिलों में हमारी इकाइयां हैं। और सक्षम समय समय पे अपने वो अभियान हाथ में लेता है जिससे कि आम जो दिव्यांग हमारा है वो लाभान्वित हो और उसका बेस ऊपर उठे। अभी सक्षम ने पिछले वर्ष वाटर एटीएम ONGC की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन कराया था KGMU में। आज भी आप देख सकते हैं वाटर एटीएम KGMU में दिव्यांगजन लोग लगाते हैं और उनका रोजगार से सीधे वो जुड़े हैं। इस प्रकार के कई काम सक्षम ने जमीनी स्तर पे करने का अभियान चलाया हुआ है और हमें पूर्ण आशा है कि सबके सहयोग से समाज के और सरकार तक हमारी बात जाएगी और सरकार, चूँकि ये जायज और वास्तविक मांग है, इसको पूरा करेगी, क्योंकि सरकार की मनोदशा है कि वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और उनके आए। तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सक्षम ने ये अभियान चलाने का निर्णय लिया। कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स आया वहाँ से? अभी आज तो हमने अभियान की शुभारंभ ही किया है और रिस्पॉन्स तो अब उसमें समय आएगा जब समाचार पत्रों में ये चीज़ें जाएंगी और हम लोग स्वयं जाके प्रतिनिधिमंडल हमने जो किया है वो सब लोग जाके मिलेंगे। सामाजिक मंत्रालय में जाके दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से संपर्क करेंगे, आगे मंत्री जी से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अन्य सांसद और विधायकों से भी मिलेंगे और उसके बाद हम पूर्ण आशा है कि ये अभियान
सरकार मानेगी और उसका लाभ सभी दिव्यांगजनों को मिलेगा।